वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट ए पार्टिकल इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हैज़ द इनिशियल वेव फंक्शन साई एक्स जीरो इज इक्वल टू ए एक्स when x ranges from 0 to a by 2, and this wave function will be a into a minus x, x ranges from a by 2 to a। यहाँ पर देखिए, जो potential well है, that is width of a। इस तरीके से ये potential well है जिसकी विड्थ क्या है, ए है। ठीक है, तो साई एक्स जीरो यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेव फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ये हैं, स्केच द साई एक्स जीरो एंड डिटरमाइन द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए एंड स्केच का मतलब एक तरह से हम माने कि ग्राफ प्लॉट हमें करना है। ठीक है, तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो टी टाइम के ऊपर वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आफ्टर टी टाइम, व्हाट विल बी द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल कन्फाइंड टू द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेजरमेंट ऑफ एनर्जी वुड यील्ड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ई वन, मीन्स क्या हुआ मतलब इसका, कि जो ई वन है एनर्जी ई वन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रिगार्डिंग द वेव फंक्शन गिवन। एंड द फोर्थ पार्ट इज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है कि जो ग्राफ हमें प्लॉट करना है साई एक्स जीरो का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक लीनियर प्रोपोर्शनलिटी है। जो साई एक्स जीरो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। और जब एक्स की वैल्यू ए बाई टू आप पुट करेंगे तो सिंपली आपके वो मिल जाएगा, साई एक्स जो है वो मिल जाएगा आपको ए इंटू ए बाई टू। आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ, जो वेव फंक्शन है इनिशियल वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका। अब हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये पता लगाएंगे कि जो वैल्यू है ए की, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो वन के इक्वल होता है, और गिवन रेंज के अंदर जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन। तो इस वेव फंक्शन के दो पार्ट हैं, जीरो से ए बाई टू एंड ए बाई टू से ए तक। एक्स की वैल्यू जब वेरी करेंगी तो फंक्शन जो है वेव फंक्शन वो आपके डिफरेंट हैं। सो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ए स्क्वेयर यहाँ पर क्या है कि आप लिखेंगे सिंपली, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है दैट इज साई स्टार साई डी एक्स। तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो वेव फंक्शन का है वो सेम होगा, और चूंकि साई इंटू साई ये टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर ए इंटू ए ए स्क्वेयर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हम टू टाइम्स अगर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इंटू डी एक्स। और अगर वैल्यू एक्स की ए बाई टू से ए तक है तो हमारा वेव फंक्शन जो है ए इंटू ए माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये भी उसी तरीके से ए स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा। तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट इसको करेंगे तो इंटीग्रेट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का एक्स की पावर थ्री बाई थ्री जीरो टू ए बाई टू, एंड द सेकंड पार्ट हैव इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ए माइनस एक्स पावर थ्री बाई थ्री ए बाई टू टू ए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो ए की वैल्यू है वो मिल जाएगी यहाँ पे 2 बाई ए इंटू रूट थ्री बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो ए है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन की, निकाल दी। ठीक है, ए की टर्म में।
तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो टी टाइम पे जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी भी एनर्जी nth स्टेट की जो एनर्जी है वो हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो cn होता है, cn स्क्वायर मोड, ठीक है, इससे निकालते हैं। तो वेव फंक्शन टी टाइम पे जो होगा वो होगा समेशन n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी a इंटू सी एन रूट 2 बाई ए। ये क्या है, ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो पार्टिकल होता है उसका वेव फंक्शन है ये साई एन एक्स, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है ये, ठीक है। ये हम जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें ये निकल के आता है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, ये इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये फंक्शन जो होगा ये साई टी है, दैट इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। इस तरह से ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा भिन्न है, हम देख रहे हैं अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो साई एक्स टी की वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए हमें सी एन एक्सपेंशन कोफिशियंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे साई सी एन की वैल्यू। तो सी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम वही एक मेथड यूज़ करेंगे, 0 to a/2 इंटीग्रेशन, वो भी वेव फंक्शन के, यहाँ पर भी दो पार्ट हम करेंगे क्योंकि वेव फंक्शन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट दिया हुआ है। तो साई एन एक्स स्टार साई एक्स ज़ीरो, ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ से आता है, सी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन गिवन लिमिट, लेट द लिमिट इज ए टू बी, देन यू हैव सिंपली साई एन एक्स स्टार एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये एक पोजिशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, सॉरी जो एफ एक्स है वो इन्फाइनेट स्क्वायर वेल के लिए पोटेंशियल, ये जो वेव फंक्शन है वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, ये वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 into √3। अब ये देखिए यहाँ से हमने a की वैल्यू ली है, ठीक है, तो ये a हो गया हमारे पास 2√3/a³। और ये वेव फंक्शन जो हम यहाँ लेके चल रहे हैं साई एन एक्स, उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो यहाँ ये शुरू में वेव फंक्शन जो है ये x यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट जो होगा वो इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो 2√3/a³ × 2/a, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी यहाँ पर क्या आएगा, रूट टू आएगा, ठीक है, रूट टू, तो a बाई टू से a तक इंटू a माइनस एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स डी एक्स। तो इसको 1/1 हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ये फंक्शन, ठीक है, और जो इनिशियल वेव फंक्शन ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, इसको भी हम दो टुकड़ों में करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा 2√6/1/a² और जो इंटीग्रेंड है उसकी ये वैल्यू आएगी हमारे पास a² (n²)π² (2sin(nπ/2). अब देखिए यहाँ जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एक पार्ट आएगा साइन एन पाई 2nπ, एक्चुअली साइन 2nπ = 0, दिस इज वेल नोन आइडेंटिटी यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया इस फंक्शन को क्योंकि ये 0 आएगा, ठीक है, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हैं जो इसमें आए हैं ये कैंसिल हो जाएंगे सिवाय इस फंक्शन के, ठीक है। तो हम यहाँ पर a² से a² को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 2 = 4 √6/n²π² sin nπ/2। अब देखिए
साइन एन पाई बाई टू की वैल्यू जो है वो एन पे डिपेंड करेगी कि एन जो है वो इवन है या ओड है, ठीक है। अगर आप एन की वैल्यू इवन पुट करेंगे तो साइन एन पाई बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एन को 0, 2, 4, 6 इस तरह से पुट करेंगे तो जीरो आएगा आपके पास, और अगर आप ओड वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी, माइनस एन माइनस वन पावर एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। अगर एन ओड होगा, ओड का मतलब 1, 3, 5, 7, यू नो वेरी वेल। सो सी एन की वैल्यू हम हमारी ये जो इक्वेशन हमने शुरू में बताई इक्वेशन नंबर 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा साई एक्स टी, दैट इज 4√6 और पाई स्क्वेयर 2/√2/√a समेशन रेंजेज फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1, 3, 5 मीन्स दीज आर ओड वैल्यूज एंड फॉर इवन वैल्यूज द वेव फंक्शन इट सेल्फ सॉरी द एक्सपेंशन कोफिशियंट सी एन डज नॉट एग्जिस्ट इट गिवज 0 सो वी ओमिट दैट वैल्यूज फॉर ओड वैल्यूज ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1, 3, 5 से लेके ये क्या होगी इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है, और इन्फिनिटी में भी ये वैल्यूज सारी होंगी हमारी, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम यहाँ से हटा भी सकते क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया कि ओड वैल्यूज होंगी सभी, ठीक है। तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन ओवर टू इंटू वन बाई एन स्क्वेयर, अब ये यहाँ से देखिए ये 1/n² यहाँ से आ गया, ठीक है, और पाई स्क्वेयर को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, इंटू साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू ई की पावर आयोटा ई एन टी ओवर एच कट, ठीक है। तो ई एन जो है ये एनर्जी आइगन वैल्यू है एन स्टेट की, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर और 2ma², ठीक है। ए क्या है पोटेंशियल विड्थ है यहाँ पे, तो इस तरह से हमने जो साई एक्स टी है उसको निकाला यहाँ पे, किस तरह से टाइम के साथ जो वेव फंक्शन है वो निकालें हम इनिशियल वेव फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब जो हमारा सी पार्ट है थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी इवन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पार्टिकल की एनर्जी इवन जो होगी उस एनर्जी इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इवन है ई एन सॉरी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सी एन स्क्वेयर होगी, सी एन स्क्वेयर स्क्वेयर ऑफ एक्सपेंशन कोफिशियंट, ठीक है। तो अगर आप वन पुट करेंगे एन की जगह तो ये आ जाएगा पी वन ऑफ ई वन इज इक्वल टू सी वन स्क्वेयर, तो आप ये पुट करेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू वन इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू 16 × 6 और पाई रेज पावर 4, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा ये 0.9855, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये लगभग 98% है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, पार्बिट जो फर्स्ट स्टेट के अंदर जो पार्टिकल की जो संभावना है कि ये पार्टिकल फर्स्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा तो उसकी संभावना है 98%, ठीक है। अगर आपसे कोई इसी तरीके से पूछे कि जो सेकंड स्टेट में जो एनर्जी E2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द जो प्रोबेबिलिटी है वो शेयर हो गई यहाँ पे 98%, तो बाकी जो एनर्जी स्टेट्स होंगी उसमें लगभग 0 प्रोबेबिलिटी होंगी। अब ये देखिए ओड वैल्यूज के लिए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओड वैल्यूज के लिए सी एन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो सॉरी इवन वैल्यूज के लिए तो पी ई टू पी ई फोर इस तरह से अगर हम इवन स्टेट्स की अगर बात करें तो इवन स्टेट्स के अंदर पार्टिकल के जो फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वो 0 होगी, ठीक है। तो ओड वैल्यूज के लिए ही वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल जो है वो ओड जो इंटीजर स्टेट होंगी उनके अंदर ही प्रोबेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 98%, सो यू कैन फाइंड आउट इन द सिमिलर वे P3E3, ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की इसमें बात करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी है एनर्जी ई एन की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हम इसको लिखेंगे, तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू सिंपली गिव्स द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ पार्टिकल,
सो ये समेशन सी एन स्क्वायर इंटू ई एन, ठीक है। तो सी एन की वैल्यू हम जो इक्वेशन थ्री है उससे पुट करेंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सम आएगा स्क्वायर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स, रेसिप्रोकल ऑफ पावर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस तरह, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई सीरीज दी हुई है, तो उसका जो सम आएगा सिंपली 5² / 8 आएगा, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी की आ जाएगी 6h² / ma², ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जो इनिशियल वेव फंक्शन है जीरो टाइम के ऊपर, उससे कैसे हम टी टाइम पे जो वेव फंक्शन होगा उसको फाइंड आउट करें, टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन कैसे हम एक्सप्लोइट करें, कैसे डिटरमाइन करें, और किसी भी जनरल स्टेट के अंदर पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, ठीक है, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालें हम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को और शेयर भी कर देंगे, ठीक है, ताकि आपकी तरह दूसरों को भी इस वीडियो का कुछ एडवांटेज मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।